फाइनली फ्रेंड कल वाले दिन अपने गेम के अंदर ईवो बंडल आने वाला है। जी हाँ फ्रेंड, मैं उसी ईवो लेजेंडरी बंडल की बात कर रहा हूँ जो कि मैंने आप लोग को एक दो दिन पहले दिखाया था। एंड अभी मैं इस वीडियो में फिर आप लोग को दिखाऊंगा कल वाले दिन कौन सा ईवो लेजेंडरी बंडल आने वाला है, कौन से इवेंट के अंदर आएगा, सब कुछ बताऊंगा। और साथ ही मैंने इस वीडियो में आप लोग की कुछ कमेंट मैंने रीड कर रखी, उनका रिप्लाई भी करेंगे। तो आज की जी टू नाइट वीडियो फिर से बहुत ज्यादा आप लोग के लिए स्पेशल रहेगी। वीडियो के एंड तक बने रहना, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो गाइस, सबसे पहले आप लोग को टू नाइट अपडेट के बारे में बता दें, मतलब कि कल है 24 दिसंबर, कल वाले दिन कौन सा इवेंट आने वाला है, देखो वो कंफर्म हो चुका है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये देखो इसका बैनर, यहाँ पर बैनर देखकर आप लोग समझ गए भाई इस बैनर के अंदर भाई एक न्यू ईवो लेजेंडरी बंडल बना हुआ है। तो ये बंडल आने वाला है कल वाले दिन, जो कि एक रिंग इवेंट के अंदर आएगा। रिंग इवेंट भी यहाँ पर देख लो, और इसके अंदर जो भी ईवो लेजेंडरी बंडल आप लोग को दिखाई दे रहा है काफी खतरनाक है भाई, देख लो ये बंडल अपने गेम के अंदर आने वाला है कल वाले दिन, ठीक है। और ये ईवो लेजेंडरी बंडल है, जैसे हम लोग का कोबरा बंडल, बुइया वाला लेजेंडरी बंडल एंड और भी एक दो ईवो बंडल है अपने गेम के अंदर आ चुके हैं, उसी तरीके से ये हम लोग का एक न्यू ईवो लेजेंडरी बंडल है जो कि कल वाले दिन आ जाएगा। और इसका एक और बैनर निकल कर आ चुका है जिसके अंदर आप लोग को इसके इमोट एनिमेशन जो भी इसके रहते हैं ना भाई ईवो लेजेंडरी बंडल के साथ में, वो सब कुछ आप लोग को इसी बैनर के अंदर देखने को मिल रहा होगा। मतलब कि कल वाले दिन ईवो लेजेंडरी बंडल आने वाला कंफर्म हो चुका है। अभी यहाँ पर कितना डायमंड लगेगा ईवो बंडल निकालने के लिए वो तो मैं कल की वीडियो में आप लोग को बताऊंगा, कल की वीडियो आप लोग जरूर से देख लेना। बाकी जो टू नाइट अपडेट था वो कंफर्म हो चुका है, वो मैंने आप लोग को सबसे पहले बता दिया। इसके अलावा मैंने आप लोग की कुछ कमेंट रीड कर रखी, चलो उनका रिप्लाई करते हैं। जैसे कि पहली कमेंट निकल कर आ रही है कृष्णा श्रीवास्तव की तरफ से, ये कह रहा है एफए भाई 7th एनिवर्सरी में पिंक डायमंड मिलेगा प्लीज बताएं। तो भाई देखो भाई 7th एनिवर्सरी जो हम लोग की आने वाली है उसमें भाई 50% चांसेस बने हुए कि हाँ भाई इस बार पिंक डायमंड स्टोरी इवेंट आप लोग को जरूर से देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है पिंक डायमंड स्टोरी इवेंट अपने गेम के अंदर आ ही नहीं रहा। तो इस बार हो सकता है भाई बहुत ज्यादा चांसेस बने हुए हैं कि इस बार जो 7th एनिवर्सरी आ रही है उसमें आप लोग को पिंक डायमंड स्टोरी इवेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी कमेंट निकल कर आ रही है वो आ रही है स्टार वाईटी की तरफ से, ये कह रहे हैं कल मुझे FM इंडिया का सपना आया और मैंने उसे खेला और बहुत मजा आया। तो भाई क्या सच में फ्री फायर इंडिया हम लोग के इतना दिलों में घुस चुका है कि सच में यार लोगों के सपने आते हैं भाई, मुझे भी कभी कभी सपने आते हैं कि भाई सच में फ्री फायर इंडिया आ गया और मैं उसके अपडेट इवेंट के बारे में आप लोग को बता रहा हूँ। तो ऐसा होता रहता है भाई, टेंशन ना लो, फ्री फायर इंडिया हम लोग का बहुत जल्दी आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करो। जैसे कि मैंने आप लोग को बोल रखा भाई 26 जनवरी काफी ज्यादा लीक्स अपडेट निकल कर आ रही है, 26 जनवरी तक जो फ्री फायर इंडिया लॉन्च हो जाएगा, तो देखते हैं क्या रहता है उसका। इसके अलावा यहाँ पर जो तीसरी कमेंट निकल कर आ रही है वो आ रही है आशीष शाह की तरफ से, ये कह रहा है भैया मैं आपका ब्लॉग देखता हूँ, मुझे मजा आता है चोर। तो भैया हाँ भाई मैं ब्लॉग बनाते ही काफी ज्यादा मस्त हूँ एंड बहुत सारे लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं, आप लोग के लिए भाई दिल से थैंक यू जो जो मेरा ब्लॉग देखते हो। एंड जो जो मेरा ब्लॉग नहीं देखते फटाफट जाकर ब्लॉग वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ब्लॉग चैनल की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ एंड बहुत जल्दी वहां पर एक न्यू ब्लॉग और आने वाला है हम लोग का, तो वो ब्लॉग भी आप लोग जरूर से देखना एंड काफी मस्त मस्त मैं ब्लॉग लाता रहता हूँ अपने ब्लॉग चैनल पर, ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लो सारे लोग। बाकी आज की इस वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन थी, सारे बंदे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।